हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सब, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो शुरू करते हैं आज के नए व्लॉग को। तो गाइस, आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बैग मेरा लग चुका है पूरा, और हमारा जो है टूर जो है बाबा केदारनाथ के पास का है। तो जाते हैं केदारनाथ, दर्शन कराते हैं आप लोगों को भी, वो लोग दिखाऊंगा आपको केदारनाथ के अच्छे अच्छे। तो गाइस, ये भी रेडी हो रही है। ये कहाँ जा रही है? केदारनाथ। तो ये भी केदारनाथ जा रही है गाइस। मैं और ये बुलेट पे जाएंगे केदारनाथ। तो ये मेरा बैग पकड़ेगी और मैं बुलेट चलाऊंगा। ठीक है, मैं तो पकड़ूंगी। मैं अपना आप ही संभाल लिया इतना बड़ा बैग लेने के बाद। तो भाई मैं तो रेडी हूँ पूरी बढ़िया तरह, पैक वैक सब कर लिया है, खाना वगैरह तो गौरव लेकर आ रहा है, और मैंने अपनी दवाई वगैरह जो भी चीज़ थी सब चीज़ रख ली है। बस चलने की तैयारी है, मैं आने लग रही है गौरव, रास्ते में है, उनके आने के बाद फिर निकलते हैं यहाँ से। तो आगे का वो लोग मैं दिखाऊंगा आप लोगों को रास्ते में ही, बनाता रहूँगा वीडियो अच्छी अच्छी। तो और इंस्टाग्राम पे आप लोगों को जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी हम कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। मनीष प्रियम के नाम, सॉरी मनीष उपाध्याय के नाम से है। प्रियम क्या नाम है? आईडी मनीष प्रियम 7 07। मनीष प्रियम 07 है ना, ये हमारी मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। हाँ जी, के बैग बन रहे अभी जाने के लिए, बाइक है सारी रेडी। टिक्का बहुत लंबा लगा था, हाथ तोड़वा लिया भाई साहब, जोश जोश में एक टक्का चोर ऊपर लगे गिरा था क्या? कहीं ज्यादा पी ली थी आपने? पैसे निकाल लग रहा था, चल लेते 10-15 की स्पीड है। पीछे था 3 शराबी है, और सीधे पीछे तक टक्कर मारी, एक के साथ हजरी टूट गई, वो भी आना था साथ हमारे। मेरे यहाँ से ये थैली छिली कंकर पड़ गए थे, और यहाँ था सब बॉडी छोटी बन रही, कुछ नहीं हुआ। नहीं हो गया नहीं। स्कूटी भी जा रही भाई, एक ब्रेड बुलेट अपाची अपाची, एक स्प्लेंडर, ये नहीं दी मैंने तो। अच्छा, एक वो भी खड़ी सामने, नहीं कल निकलवा के लाया हूँ, कल आई या 2 दिन पहले ही। फाइनली रुके थे हम रास्ते में फोटो शूट करने के लिए, तो फोटो खींचे जा रही सारी लगा लो रास्ते में सारी। आराम से आराम से। फिलहाल हम पहुंचे थे हरिद्वार, और नज़ारा बाईपास का खड़े हैं, देखो भाई रात का नज़ारा हरिद्वार का, घूम रहे रात को और इन्जॉय कर रहे ना रहे। कुछ बंदे हमारे रह गए थे शायद, आ रहे हैं पीछे पीछे, तो उनका वेट कर रहे हैं। हरिद्वार पहुंच चुके हम, और ये हरिद्वार का नज़ारा, अरे आप ब्लूटूथ गिर गई नीचे, फुल पर ब्लूटूथ गिर गई थी नीचे। अच्छा, वो मिली नहीं? मिली नहीं ना। तो भाई फिलहाल सस्ता रहे हम बैठे, कंटिन्यू ड्राइविंग कर रहे थे, सीधी हरिद्वार स्टॉप लिया हमने आगे। रोटी बटरी भाई फिलहाल तो यहाँ पे फ्री की मिल रही भाई, ले लो फ्री के, छोड़ने का कुछ नहीं है। अतुल भाई क्या होगा, खत्म करके फेंक दी इन्हें तो सूद दी कही, अभी फैक्की हो रही सही है। कुछ ज्यादा ही जाम हरिद्वार में, क्योंकि कल सबकी छुट्टी है ना, संडे है, तो आज सब घूमने के लिए आ रहे हैं। तो
हमारा हरिद्वार, रात को कितनी रौनक होती है यहाँ पर। और ये हमारी गंगा माता, रात का जरा देखो सिर्फ तुम बस। हमारे महादेव, ये रही साक्षात दर्शन महादेव के। दोस्तों देखो जाम कितना है यहाँ पर। फिलहाल लग रहा है स्टेशन की लाइन में, और लाइन देखा जल्दी आगे लग गए, 5 बजे के लग रहे हैं यहाँ से। हम लगे रहो, निःशुल्क पंजीकरण। इधर दूध लग रहे हैं बराबर है, बराबर लग रहे हैं। भाई रजिस्ट्रेशन करा लिया हमने, पर्ची मिल गई हमें, इनको हाथ में मारना ना। बार कोड स्कैन कर दिया, अभी लाइन में लग रहा है कुछ लोग और ये वहाँ मजे ले रहे भाई। सब के हो गए, पूरा दर्शन भी हो गए, पूरा मजा होगा। जय पापा की बोल, बात कर जय, वो जय बोल के चलियो भाई। कार्तिक को भेजा, मैं बहुत देर से खड़ा था वहीं से। तो गाइस फिलहाल आए थे मौसम वाजी, उस पर ने पंचर लग रहा है स्कूटी में, वहाँ पे जोड़ रहा है। वो कहाँ गया, वो गिर जाएगा, वो फेंक दे। ये होता जी, ये होता इसके अंदर हमारे, इतनी चीज ना मौसम वाजी उस चल रहे जूस पी गए। दो पंचर है भाई, फोन निकाल ला भाई वकील। ये मैं तो कह रहा हूँ इतना बड़ा तो ये था नहीं, ये तो वैसे ही लग रहा होगा मेन भाई। परेशान हो गए थे, पंचर हो गया स्कूटर को, यहीं पकड़ी करेंगे, बैग एडजस्ट कर दिया, चल लेंगे जूस पी के निकलते हैं। जूस रेडी हो चुका, दर्द हो रहा था, लग रहा था जूस पी गया, खाली पेट है भाई। मैगी चल दिया यहाँ पे, मिस्टेक कर दी मिस्टेक। मेरा दोस्त 10 पराठे मांगा 10 पराठे कार्तिक, 10 पराठे मांगा 4750 4750। अब तो 10 की 20 खा लेगा, 2400 2400 अब तो 20 खाओगा। 2400 4700 अरे 4700 2400 आप भी 4750 ना बताइए। गरीब लोग रहा है, 50 चिपका Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. So guys, फिलहाल आ चुके हम देवप्रयाग, गंगा के संगम पर। ओ भाई भीड़ काफी थी रास्ते में, जाम थोड़ा था। अब दिखाता हूँ आपको संगम यहाँ से। गाइस देखें यहाँ पे, फाइनली आ चुके हैं हम नीचे, गंगा पे जा रहे हैं नहाने के लिए। और भाई उतर तो रहे बड़ी जल्दी, अब चढ़ेगा ना जब हालत खराब हो जाएगी, बहुत नीचे जाना है, तभी से पैर पैरों की चढ़ाई। हाँ बैठे वहाँ जाना, ले
संभी हो गोड्डे दुख गए भी सही अभी क्या हाल होगा अभी से हालत खराब होली क्या तोड़ दी इसकी अच्छा ले रहा गया माचो का आलू ले लो आलू खीरे खीरे हाँ जी भाई सबका घर से ताजे ताजे आलू घर सब पीछे रह रहे अभी तो नीचे भी नहीं गए वाटरफॉल इतने मिलेगा भाई थाई की एक्सरसाइज मार रखी उनने हाँ लग जाएगी पिंडी काम छोचूगी भाई नहीं तो तगड़ी आओगी फिर मेरा दोस्त संगम मार्ग वह संगम मार्ग संगम मार्ग मेरा भाई भी घंटा पूरा आज तो मेरा दोस्त इधर चढ़ते चढ़ते फिर फिर सूख जाएंगे हम तो मन लो पर लो हाँ भाई प्रसाद छोड़ कर आने वाले अब तो चलो कहाँ आने वाले अभी तो कोई दिन नीचे हाँ जी मगर हम तो ऊपर चढ़ते चढ़ते फिर पसीने पसीने हो लेंगे बाइक वहीं खड़ी बाइक पर देखो जी कहाँ से आते हो कहाँ जा रही है बैग रखे वहाँ से कहाँ था उसने भाई बाइक बैग बैग लाए जाए थे जी नहीं सामने रखे बैग नहीं मैं कह रहा हूँ बाइक वहाँ बैग तो नहीं जानेंगे नहीं अगर कहते ना बैग तार कर ले चलो दूसरों गाली देते उनका साढ़े ने कहा था चोखा बन रहा था तो गाइस ये देखिए यहाँ पे नजारा संगम का देव प्रयाग में गाइस नहातम लिए है और इंजॉय काफी आया नहा के काफी ठंडा पानी था मजा आ गया आने के लिए दिखाते हैं भाई गंगा संगम देखो पानी का भाव कितनी तेज है तो भाई फेफड़े बाहर आ गए सबके जितना नहाया था सबके ऐसी जैसी होगी एक का फेफड़ा नीचे पड़ा नहीं है भाई गला भी सूख गया भाई खा लिया और दोस्त उनका तो फेफड़ा नीचे गिर गया यही तो था जरा से नीचे अरे हाँ जरा से नीचे यहाँ फिल्टर तो हो बड़े मारे हेलमेट इनके तो फेफड़े बाहर आ गए क्यों आगे 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 ये बस ये बस चलो ना भाई मना कर रहे हम तो पांच पूरी पाड़ गए अब पनीर की सब्जी थी पनीर पनीर चला चलिए सिकन जी मेरे दोस्त लो देखो मार वोट मार के चले सिकन जी रुक के थी मोटरसाइकिल थोड़ी देर के लिए ये देखिए नदी श्रीनगर आने वाले हैं हम 2 किलोमीटर आ गए ना श्रीनगर
भाई वहाँ लोगे थे राणा स्वीट्स पर, ये मट्टी चाय चल रही भाई, मेरे दोस्त मिस्टेक कर रहे अंदर नमकीन खा के भाग गए, तो दोस्त मिस्टेक कर दी है, तो स्टे लिया था यहाँ पे मैंने, पीछे का व्यू देखिए, ये देखे सारे के सारे। पहली सर्विस करवा देंगे जब तक इसकी बाइक की, वो क्या भाई कल तो हम लेके मोटरसाइकिल आया सर्विस को आना दिए।
सो भाई फिलहाल रुके थे हम पाटा, तो भाई क्योंकि टाइम हो चुका है 7:30, लेकिन केदारनाथ यहाँ से 33 रह गया, लेकिन भाई बहुत बाइक खींचनी पड़ेगी, 33 किलोमीटर का मतलब है 60 पहाड़ों का। वो ये देखे भाई ट्रैफिक हालत बुरी हो गई, बहुत बुरा हाल है, तो नींद चाहिए बस। सुबह से बाइक चल रही कंटिन्यू, सुबह से बाइक चल रही, अब पढ़ कर सोएंगे, सुबह जल्दी निकल लेंगे। रात में 2-3 घंटे सोए थे, वही रात हम 1 बजे तक पहुँचे थे, 2 बजे सोए और 5 बजे फिर उठ गए थे भाई, और उसके बाद से बाइक दबा दम दबा दम। तो रुकते हैं, सुबह मिलते हैं आप लोगों से दोबारा ट्रैवलिंग पर। तो गाइस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। भाई केदारनाथ का ट्रिप है, लाइक शेयर कमेंट जल्दी कर दो। भाई साहब इतनी दूर आए हम, कितनी खतरनाक सड़क हो भाई हम, जय बाबा की, सड़क कितनी खतरनाक थी जी, बहुत तगड़ी थी जी, मैंने करा अंदर तीन खतरनाक थी जी, बसों के भी बसों को रोक रोक कर निकल लेते हम। हाँ जी भाई साहब, रात का नजारा देखो हमारे रूम से, रूम लिया हमने यहाँ पर, ये रहा बाहरी होटल है, यहाँ पर रोटी खटा लिए, मौज कर दी होटल वाले के साथ में, होटल वाले पटा लिए। अब भाई साहब मजा आ रहा, नीचे देखे खाई कितनी गहरी है, और वहाँ पर लाइट है लाइट, रात को खाना खाते हैं और फिर पढ़ते हैं, बैठ दे कि 1, 2, 3, 4, 5 बैठ है भाई, दो गद्दे भी आओगे, बैठ पढ़ कर सोंगे आराम से, पंखा भी LCD पूरा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा महंगा है ठीक है।